अहिल्या का ज्ञान कक्ष में पहला दिन खंडेराव सहपाठी और मल्हार राव सरकार खुद उसके ससुर और राजा उसके गुरु अब जाहिर सी बात है कि जब ऐसा माहौल हो खुद राजा आपके गुरु बने हुए हो तो मनोदशा क्या होगी और जबकि आप कक्षा में पहला दिन हो हालांकि ये सब बातें अहिल्या के चेहरे से दूर थी मगर मेरे ख्याल से कारण ये था कि वो जिज्ञासु है और वो सीखना चाहती है इस वजह से और जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप लायक और आप कर सकते हैं वो उसके चेहरे पर था दूसरी बात ये मल्हार राव सरकार ने उसे श्री शब्द अक्षर लिखने को दिया वो सिखाया तो आखिर उसका अर्थ क्या है क्यों श्री को ही सबसे आरंभ में चुना यूँ तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी पुरुष के नाम के आगे अपने आदर के नहीं, आपके जो भी हों आपके पिता हों या आपके बड़े कोई भी हों जब आप आदर के रूप में उनका नाम लेते हैं आदर सूचक तो शब्द जो आप स्टार्टिंग में लगाएंगे वो श्री लगाते हैं लेकिन श्री की यदि बात करें तो श्री जो है हिंदी में संस्कृत भाषा से आया है और इसका जो अर्थ देखें तो वो है कि समूची सृष्टि के मूल में स्त्री शक्ति है जो सब कुछ धारण करती है इसलिए श्री कहा गया है अर्थात सबको आश्रय देने वाली अब यहाँ बात आती है कि आश्रय देने वाली जी हाँ माँ माँ लक्ष्मी सरस्वती और इस शब्द के जो अर्थ लिए जाते हैं वो योग्य लिए जाते हैं शुभ लिए जाते हैं तो बेशक हमें लग रहा हो कि सिर्फ एक शब्द सिखाया मगर बहुत गहरा शब्द है आज अहिल्या ने माँ लक्ष्मी लिखना सीख लिया है माँ सरस्वती लिखना सीख लिया है उसकी आराधना आज से आरंभ हो चुकी है बाकी मेरे ख्याल से पहले क्लास जब या फिर हम लोग स्कूल में गए थे मुझे खुद याद नहीं कि क्या कुछ सीखा था कैसा माहौल था अगर आप में से किसी को याद हो तो प्लीज़ बताइएगा